का शिकार छीना था पगला डाकू, और आज हमने तेरा शिकार छीना है रे, तेरा पना दिए पना। ठीक है, उस बकरे को खिला पिला कर और भी मोटा कर दे, उसे हलाल करने में मजा आएगा। अरे ओ रामजू, मेहमान को कुछ खिलाए पिलाए कि नहीं? सरदार जब से खाना खाने बैठा है वो 30 रोटी 3 किलो बोटी डकार चुका है। खाने दो, फलकवा में ठूस ठूस के भर दो। वो कहा है ना, शेर सिंह ने हमको चैलेंजवा दिया है। अरे ओ सरदार, शेर सिंह की बहन का बलात्कार किया है इसने और मार डाला उसको, और तू इसे खिला पिला रही है। का शेर सिंह की बहन का बलात्कार किया है इसने? अरे लोग तो खाना हजम करने के लिए चूरन खाते हैं चूरन, और ई का खाना हजम करने के लिए हमरी गोली खानी पड़ेगी। इससे पहले कि मुनि पर मुझे गोली मार दे, मैं यहाँ से भागता हूँ। अरे ओ बचवा जी, जरा मेहमान को तो ले आ रे। तो भाग गया। अरे दारू तो भाग गया। अच्छा कौन बात नहीं, हमरी गोली से बच गया तो का हुआ, शेर सिंह की गोली से कहां तक बचेगा? टकला भैया कुंदन मुन्नी बाई के पनाह से भाग गया। क्या कहा? भाग गया। जब सितारों के टूटने का वक्त आता है तो ज्यादा चमकने लगते हैं। अब शेर सिंह कुंदन को नहीं छोड़ेगा। कहां तक भागेगा, कहां भी जाएगा, मैं मौत बनकर रास्ता रोक लूंगा। मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ शेर सिंह। हाँ मारूंगा या मरूंगा, लेकिन तुझसे मुकाबला जरूर करूंगा। इतना दम था तो यहाँ से भाग कर क्यों गया? मैं भाग कर कहां जा रहा था? मुझे मत मारना शेर सिंह। नहीं 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 नहीं। शेर सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर दो। का शेर सिंह पकड़ा गया? बहुत बुरा हुआ रे, हमरे सीने पर बहुत बोझ पड़ गया रे। अब जिंदगी भर पछतावे की आग में हमको जलना पड़ेगा। आग में तो तुम जल ही रही हो सरदार। क्या कह रहे हरामी? मेरा मतलब सरदार पगला डाकू से है। कब से तो मैं उस पगले डाकू का इंतजार कर रही हूँ रे। आ रे दोस्तों सरे को, वो भी आएगा और उसकी खबर भी आएगी रे। क्या